भाई सब जगह बर्फ ही बर्फ जम गई यहाँ पर तो। ये देखिए गाड़ी का कांच वाच सब फ्रीज हो चुका है। ये देखो पूरी स्नो, सर्दी इतनी है, देखो पानी जम चुका है, कपड़ा देखो दोस्तों बर्फ से जम गई है। देखो आप सच में यार पेट्रोल की तरह चल रहा है यार दीपक भाई। ये तो ये आज देसी घी के पराठे विद पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी हमारी रेडी हो चुकी है जी। वादियों का नजारा देखिए। आपने हमें खिलाया, हमारा फर्ज बनता है आपको खिलाने का। गाइज अभी बज रही है सुबह के 7। इतने दिनों से हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, स्नो नहीं जमी, टेंट के अंदर स्नो जम चुकी है। देखो ये देखो आप, ये देखो, मतलब ठंड का अंदाजा लगा लो भाई सबसे ज्यादा। ये देखो कहाँ तक बर्फ जम चुकी है, देखो टेंट के अंदर। अभी बाहर की हालत देखते हैं, बाहर की क्या है। ओ भाई साहब क्या सीन है यार, ग्रेट भाई ग्रेट। भाई सब जगह बर्फ ही बर्फ जम गई यहाँ पर तो, सीढ़ी से लेके हर चीज। ओ भाई ये देखिए गाड़ी का कांच वाच सब फ्रीज हो चुका है। ये देखो इधर देखो भाई ये पाजी की, और अभी फिसलता, ये पाजी की ब्लैक चेयर है ना वाइट हो चुकी है। ये देखो पूरी स्नो। तो चलिए जी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, क्या पता होगी नहीं होगी। वैसे तो रात को मैंने स्टार्ट की थी इसे। ये देखो पूरा कांच फ्रीज हो चुका है। जय हो माता रानी की। हो गई हो गई हो गई हो गई। खैर यार गाड़ी माइनस 10-10 डिग्री में भी हो रखी है, जहाँ नजर जाएगी ना वहाँ पे सब कुछ जम चुका है। ये देखो ये देखो। हाँ जी ठंड क्या होती है पता लगा। हाँ, बर्फ अंदर तक बर्फ जम गई है। ये तो कुछ भी नहीं अंदर देख। और टेंट के ऊपर दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो सीढ़ी वीढ़ी में है ना सब जगह स्नो जम चुकी है। और ये देखो पूरा टेंट वाइट हो चुका है भाई। धूप निकलने का इंतजार करना पड़ेगा चिक्की, ऐसे तो टेंट को बंद नहीं कर सकते। हाँ रात को बर्तन वर्तन धो के फ्री हो गए थे हम लोग, और तीन तीन रजाएं ओढ़नी पड़ी थी भाई। दीपक भाई ने बोला भाई आज तो निकाल ही लेना तीसरी वाली, नहीं तो बैंड बज जाएगी। ये दीपक भाई का कैंपर बाहर पड़ा है यार, ये ढक्कन नहीं खुल रहा है। देखो ये देखो देखो इसके अंदर ये पूरा स्नो जम चुका है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देख चिक्की खाले 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 ले आइसक्रीम। तो ये देखिए जी सर्दी इतनी है, देखो पानी जम चुका है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, देखो इतनी माइनस सर्दी के अंदर यार ये मछलियां कैसे मतलब जिंदा है, या क्या है यार, कौन सी नस्ल की मछली है ये। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार इस तरह के वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, हालांकि हमारा पैशन है ये, ओनली फॉर यूट्यूब नहीं है। तो यार एक मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे ना, मतलब कुछ भी लिख दो। कमेंट जितने ज्यादा होंगे ना उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। आप लोगों की उम्मीद है सारी शिकायतें दूर कर दी होगी, इस बार चकाचक बनाया चकाचक खिलाया भाई। मतलब आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बैक टू बैक 10 एपिसोड हम आपके लिए डायरेक्ट कैंपिंग के लेकर आए, 9 होटल और 1 रुपए का बाहर का खाना नहीं खाया हमने, इस बार कराया हमने ये सब चीजें। ये देखिए दोस्तों पूरा, ये देखो आप कपड़े की हालत देख देख चुकी तुलिया, देखो ऐसे हो गया ये तो बिल्कुल। अरे मतलब देखो कपड़ा देखो दोस्तों बर्फ से जम गई है। देखो आप। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, सब कुछ जम गया यहाँ पर तो यार। आ जाओ गैस जला रखा है, तपलो तपलो। नहीं नहीं अरे तपलो भाई 2 मिनट। हाँ भाई अंश गुड मॉर्निंग, सर्दी है मस्त वाली बहुत ज्यादा। सुबह भाई हाथ तपने थे, हाथ सुन हो गए, तुमने इधर देखा नहीं तुम्हारा पानी जम गया पूरा कैंपर में। मैंने उठा के आइसक्रीम खाई उसकी खाली। हाँ ये मजा बार बार थोड़ी ना देखने को मिलेगा। तो आज चिक्की और अंश बाबू मिलके, अंश ने बहुत शानदार चाय बनाई थी, इस ट्रिप की सबसे टॉप चाय अंश ने बना के पिलाई थी, तो आज इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लस घुमक्कड़ बक्स के किचन में अंश और चिक्की मिलके भाई चाय बनाने वाले है यहाँ पे। ये अदरक आ गई जी, ये चाय की पत्ती स्पेशल लेकर आया, ये बताएगा नहीं सीक्रेट। चलो कोई बात नहीं, सीक्रेट मत बताना मुझे, दे देना लाके ठीक है। तो ये कल हमने पनीर और दूध लिया था दोस्तों, पनीर तो ऐसा हो गया चिक्की किसी का सर फोड़ना हो ना मार दे पत्थर को हो गया पनीर। ये देखो दोस्तों पूरा, और ये मिल्क है, मिल्क नहीं जमा क्योंकि अंदर उसके अंदर पड़ा था ये।
बचपन में स्कूल जाते थे हम पैदल पैदल, देख मेरे ज्यादा निकल रहा धुआं, देख तेरे ज्यादा निकल रहा है। कॉम्पिटिशन होता था दोस्तों, मतलब लिटरली ऐसे ऐसे काम करते थे ना हम स्कूल जाते थे। अब दोस्तों जैसे बिजी हो गए ना और थोड़ा आग के पास में खड़े, मतलब हाथ तो सुन पड़ रहे हैं, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना तो ये वाला हाथ तो जिसमें मैंने फोन पकड़ रखा है भाई अकड़ चुका है एकदम, तो थोड़ी थोड़ी देर में भाप में लाना पड़ रहा है। तो और क्या खुशबू आई है भाई। गुड मॉर्निंग गबरू, ये बताओ दो दो साल के यार और क्या लंबे चौड़े है, यहाँ के पहाड़ी कुत्ते होते हैं भाई खतरनाक। मसल्स भी है देख तो सही, बॉडी बॉडी जिम जिम जाते हो जैसे। तो भैया अभी दूध डलने की तैयारी हो गई चाय में, और दूध डलते जो चाय का कलर आया भाई ये देखो, चिक्की जी ने बाहर गिरा दिया थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी गलती माफ है। गाइस कपिल भाई ने भी गिराया है, शायद वीडियो में नहीं दिखाया होगा। रील में दिख जाएगा, आप लोगों को तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गिरावा दूध देखने के लिए। पाजी सुबह सुबह ही AK-47 लेकर आ गए भाई इधर। अरे बच्चे की जैकेट तो उठा लेते हैं, पूरी व्हाइट हो गई स्नो में। नहीं 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 और क्या, बाय गॉड एक बार बोल दो बाय गॉड बाय गॉड। तो दीपक भाई ने भाई इधर हम जो फ्यूल खरीद के लाए थे, खरीद के बोले तो सॉरी चुक के लाए थे, हाँ। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा चलता है यार, ये चिलगोजे के वो होते ना फ्लावर पाइन के। सच में यार पेट्रोल की तरह चल रहा है यार दीपक भाई ये तो। और इधर कुशर पुशर किसकी आ रही है भाई, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, आ जाओ बाहर ठंड के मजे लेते थोड़े से। आ जाइए चाय रेडी है। आ गए जी आ गए, चाय गरम चाय गरम चाय गरम, बहुत जरूरत थी इसकी। वैसे देने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बची नहीं है चाय, पर तूने योगदान दिया चाय बनाने में पूरा, इसलिए देनी पड़ रही है। बची नहीं चाय, पूरी आधी हो गई, इतनी सी हो गई, वो गैस बंद करना भूल गए थे ना। चेरी आ जाओ बेटा। चेरी बोले मैं तो नीचे नहीं आऊंगी भाई। तो आप लोग भी आइए, -3 से 4 डिग्री के अंदर गर्मा गर्म चाय घुमाकर बस से किचन में। मजा आ रहा गर्म गर्म पानी से, लेकिन जितना गर्म पानी में करोगे ना हाँ उतनी सर्दी ज्यादा लगती है। तो दोस्तों सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए फाइनली, और आप समझ मतलब सोच सकते हो इतने माइनस टेम्परेचर के अंदर अगर ऐसी खिली खिली धूप मिलती है सुबह सुबह की, भाई मजा आ गया। नाक वाक थोड़े बंद हो चुके हैं, सर्दी का मजा ही एक तो यहाँ पर आया था, और एक पराशर लेक पे जो हमने की थी ना वहाँ पे हवा वाली सर्दी थी, यहाँ पे जो एक्चुअल सर्दी होती है ना मतलब जो गीली ठंड होती है सर्दी वाली, मतलब सब कुछ जम जाता है कर जाता है, अगर ऐसे मौसम में हल्की सी भी बारिश हो जाती है ना तो तगड़ी वाली स्नोफॉल बन जाती है वो। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं, कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, टेंट पूरा गीला हो चुका है, जो भी ऊपर स्नो जमी थी ना ये देखो पानी टपक रहा है, ये देखिए अब धूप से सारा पानी टपक रहा है, तो उसको सुखाना बहुत जरूरी है वरना सोने लायक नहीं बचेगा, ये देखिए पूरा गीला हो चुका है नीचे से। ऑल सेट दोस्तों, नहा धोके सब रेडी, एकदम गरम गरम पानी था भाई, चिक्की जी वगैरह बच्चे ऑलमोस्ट सभी लोग फ्रेंड्स वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। तो अब सीन कुछ ऐसा है, चिक्की जी कुछ खिला रहे हो, क्या बना रहे हो, कुछ अच्छा अच्छा सुनाई दिया। तो दोस्तों पनीर की भुर्जी बनाने वाले हैं भाई, एग तो हम खाते नहीं है तो एग भुर्जी अलग होती है, तो वैसे ही सेम पनीर भुर्जी भी बनती है, पनीर की भुर्जी और बढ़िया देसी घी के तेल के जो भी चिक्के से प्यार से खिलाए, पराठे खाते हैं यहाँ पे और उसके बाद जगह छोड़ेंगे। तो इधर चिक्की जी ने धूप का फायदा उठाते हैं भाई, सारे बिस्तर इस्तर सब कुछ धूप में दे दिया है, जरूरी भी है भाई, टेंट हमारा ऑलमोस्ट सूखने पर है क्योंकि बिना सूखे भाई इतने गीले में तो उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि वापस होना भी है हमें इसमें। हाँ शिवाय बाबू आप क्या कर रहे हो, शिवाय को देखो रेड एंड व्हाइट हो रखा है एकदम, जितेंद्र बन रखा है आज तो जितेंद्र। और मनसा आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, यही तो करना है अपन इतना दूर, कुछ नहीं, पहाड़ों की वादियों और पीछे का नजारा देखिए भाई। दोस्तों एक चीज जो मुझे भैया ने बताई है, मतलब ऊपर जो लोग रहते हैं ना, यहाँ के लोकल्स की बात कर रहा हूँ, ये देखो पूरा पता नहीं क्यों आग लगा देते हैं भाई वहाँ पे घास वगैरह में, इसमें सब्जियां चॉप कर लो थोड़ी सी फटाफट। ठीक है जी, तो हम हेल्प कराते हैं भैया आप चिक्की जी की। दोस्तों पहाड़ों में आने का यही फायदा है, अगर आप कैंपिंग मोड में आते हो ना यहाँ की लोकल सब्जियां लेके खाओ भाई भर भर के, ऐसी सेहत बढ़ा के जाओगे। तो चिक्की जी इधर आटा लगाने की तैयारी कर रही है भैया, आज देसी घी के पराठे विद पनीर भुर्जी, ये घुमक्कड़ बक्स में किचन में बनने वाला है। और पीछे का नजारा एक बार फिर दिखा दूं, क्या वैली का व्यू आ रहा है, और हमारे पास में एक रिवर है, नाम मैं भूल गया हूं दोस्तों, बरोट में है अभी हम। चलिए जी सबसे पहले मैं प्याज को फाइन चॉप कर लेता हूं, रात को बर्तन धोकर रखने का एक फायदा था भाई, सुबह नहीं धोए जाते, बहुत ही ज्यादा दोस्तों सर्दी थी, रात से भी ज्यादा सुबह हो गई थी। दोस्तों ये पल लाइफ के पता नहीं कब जी पाएंगे, आगे नहीं जी पाएंगे, हम तो हर बार यही सोच के चलते हैं
देखो उधर हमारा किचन है, गाड़ी में हमारा घर है, और ऐसे सुंदर खूबसूरत वादियों में हर बार नई नई जगह है ना बेटा। हाँ। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, मतलब हमारी मनसा तो इतनी होशियार हो गई, सब काम कर लेती है ये जो इसके बस का है। तो यहाँ पर भैया गैस हो गया है ऑन। ये ब्रेड किससे ली? अच्छा उनसे। तो शिवाय ने जिद कर ली भैया ब्रेड की, तो बटर में ब्रेड सेक के एक दे रही है इसको। वैसे हमने पूरे उसमें ब्रेड वगैरह नहीं खाई जाता ना। तो भाई यहाँ पे प्याज मैंने फाइन चॉप कर दिए है, टमाटर ने पानी ज्यादा छोड़ दिया तो इसमें कर दिया है, यहाँ पे ब्रोकली हो गई है और यहाँ पर मिर्ची हो गई है। तो चिक्की जी हमने हमारा काम कर दिया, अब आपकी बारी। तो ये ब्रेड कौन खाएगा? कौन खाएगा? शिवाय बाबू खाएगा, शेरी को भी देते हैं। अच्छी लगी? चलो खा लो, फिनिश कर दो। शिवाय ने ली तो भैया मनसा की भी इच्छा हुई, मतलब कोई बात नहीं बच्ची को भी दो, दे दे इनको, तब तक क्या थोड़ी देर परेशान नहीं करेंगे ये। तो आटा रेडी है हमारा, पनीर का है चिक्की? तो ये कल हमने अमूल का पनीर ले लिया था दोस्तों, वैसे तो हम ताज़ा पनीर ही प्रिफर करते हैं, हालांकि ये है 5-7 दिन पहले की पैकिंग का, ठीक है इधर तो यही मिलता है। चिक्की जी वेट नहीं हो रहा यार, सिकने तो दो उसको। नहीं ज़्यादा कुरकुरे नहीं सेकनी, आप खाओ कुरकुरा। तो फाइनली हमारा पनीर पैकेट में से बाहर आने के लिए मचल रहा है भाई, कि फटाफट मुझे इन पहाड़ की वादियों में बना के खा लो भाई, मेरा भी आत्मसम्मान बना रहेगा। तो ये आ गया जी पनीर, वैसे तो फ्रेश ही लग रहा है यार, एकदम कड़क हो गया देखो पत्थर की तरह। तो डाल रहे हम प्याज फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहला काम है जी प्याज फ्राई करना, और मैं हमेशा की तरह एक डायलॉग, बोरिंग डायलॉग मारूंगा कि भैया जैसे प्याज आते ना तेल के अंदर क्या खुशबू आती है भाई, मतलब आपकी भूख है ना दोस्तों डबल हो जाएगी। दोस्तों देखो मेरा वाला डायलॉग दीपक भाई ने भी मार दिया, इनको भी खुशबू आई। क्या बन रहा है? खुशबू सूंघ के खींचे चले आए। तो यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी की जुगलबंदी स्टार्ट हो गई है। तो चिक्की ने बोला फटाफट पराठे बेल के रख लेते हैं, और जब तक आप करो प्याज फ्राई, उसके बाद फ्राई क्या चिक्की, मैं ही बना दूंगा पनीर भुर्जी, तो एक नंबर बनाता हूँ। तो चलिए जी अब टाइम आ गया है, ये टमाटर ये तो बड़े प्यार से चले गए, अब आएगा मजा। तो भाई यहाँ पर आपके भाई ने पूरा पूरा ऑलमोस्ट इसको उबाल दिया, भिगो दिया, तल दिया, जो भी होता है, मसाले डालने की बारी है चिक्की जी की। क्या खुशबू आ गई दोस्तों, और ये मेरे को फालतू में बदनाम करती है यार। देखो यार बना कौन रहा है? नहीं बना कौन रहा है? हाथ ही तो हिला रहे हो आप। हाँ सही है। अब ये गाइस देखिए इन्होंने इतने बड़े बड़े फाइन चॉप, अरे मैं सबको चॉप कर दूंगा, मैं बहुत फाइन चॉप कर, ये अभी नरम पड़ जाएंगे देखना, ये नरम पड़ जाएंगे। ये गए जी इसके अंदर पनीर, देखो देखो, मतलब कैमरा ऑन कर दे, कितना जल्दी तूने पकड़ा भाई इसको। मसाले मेरे, सब कुछ मेरा है, आप इसे हिला रहे हो उसको। हाँ ये पनीर को किसने भुज्जी में बनाया भाई? चलो कोई बात नहीं, हम बटर बटर एक डाल दे, और वैसे तो घी डाल दिया था, बटर की टिक्की गई, कड़क हो गई एकदम। हाँ। बस तो यहाँ पे चिक्की जी हमारे विरुद्ध चली गई है भाई, इसमें चीज भी डालेगी, चीज कौन डालता है भुज्जी में? नहीं मैं डालती, बिना कैसे डाल दे पिघल जाएगा वो तो। नहीं क्या बात है यार, ये शॉट में तो बढ़िया आ रहा है। तो गाइस पनीर भुज्जी हमारी रेडी हो चुकी है जी, वादियों के नजारा देखिए, इसमें हम बैठ के देसी घी के पराठे खाएंगे इसके साथ। हाय 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 मजा आ गया। मम्मा मम्मा भूख लगी, आज मूंगफली नहीं, आज पनीर भुज्जी खानी है। चेरी को हमारे भाई पनीर बहुत पसंद है, शिवाय थोड़ा थोड़ा खाता है, मतलब जबरदस्ती खिला दो उसको, लेकिन चेरी तो भाई मतलब क्रेजी है पनीर के लिए, इसको पनीर की कोई सी भी डिश खिला दो दोस्तों, रोटी नहीं खाएगी पनीर खा लेगी। अच्छा पत्तल के अंदर चिक्की जी एक नंबर, थैंक्स टू मी, इसको कहते दोस्तों होशियारी, देखो खुद को कितना सारा चीज डाल रही है, सही है बेटा सही है उसको। चिक्की जी कैसा लगा? शानदार। हमारी तारीफ में क्या कहना चाहोगे? थैंक यू हेल्प कराने के लिए। हाँ देखो यार कितनी शानी है हेल्प कराने के लिए। चीज का जो फ्लेवर आ रहा है ना एक नंबर, ट्राई करके देखना आप लोग। अच्छा अच्छा भैया हमारे शिवाय का भी देख लो, फर्स्ट क्लास बोल रहा है वो, फर्स्ट क्लास। लो जी लो गर्मा गर्म, आपने हमें खिलाया, हमारा फर्ज बनता है आपको खिलाने का। धन्यवाद। उसको रोल बना के दे दिया। हाँ हाँ खाओ खाओ, खाने पीने आए इतना दूर और क्या करने आए। आपने हमें खिलाया, हमारा फर्ज बनता है आपको खिलाने का। धन्यवाद। चलिए दोस्तों एकदम चकाचक खाना पीना हो गया है, आज वीडियो मुझे लग रहा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इस वीडियो की एंडिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे तक लेके चलेंगे आपको, और बहुत कुछ दिखाना बाकी है आज दिन भर में। तो जब तक आप टाइमलेस का मजा लीजिए, हम पूरा अवेरा सवेरा करते हैं, सब कुछ पैक करते हैं गाड़ी, करीब आधा घंटा लगने वाला है इस चीज में हमें, और उसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों भैया के क्या नाम है भैया अपना? मनमोहन सिंह ठाकुर। और यहाँ पे डे टू डे कैंपिंग ब्रोट। डे टू डे कैंपिंग ब्रोट है भाई। आपको आपको कैंपिंग करनी हो तो ठीक ठाक रेट में भैया कर देंगे, सीजन के हिसाब से भाई रेट होती है। बाकी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पर आइए और नदी किनारे बढ़िया एकदम टेंट में कैंप साइट का मजा लीजिए। तो जल्दी मिलेंगे भैया, वापस आएंगे ठीक है। और हमारे दोनों चुन्नू मुन्नू यहाँ पे बैठ चुके हैं भाई। हेलो हेलो। ठीक है, देखो कितनी खुशी लग रहे हैं। ऊपर रूफटॉप टेंट हमारा पैक हो चुका है। हाँ चिक्की जी रेडी? रेडी। तो सबसे बड़ा एडवेंचर है वैसे, तीनों लोगों ने चढ़ा दिए तो हमारी भी चढ़ जाएगी गाड़ी भाई। 45 डिग्री की चढ़ाई है तो भैया ने बोला बड़े आराम से चढ़ेगी, चलिए चलते हैं। तो चलिए जी, मनसा माता की जय बोलते हैं। बोलो श्री मनसा माता की जय। जय हो प्रभु। भाई क्या मिट्टी खेसते हुए आया गाइस, मजा आ गया है। और मतलब ऐसे ही गई, ये लोग ही बोला ना धीरे 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 धीरे। तो चलिए चलते हैं भैया, बोलो तो ऐसा लगा जैसे कोई रॉकेट लेके आ रहे हो, इसे कहते हैं घुमक्कड़ बाग। तो चलिए जी चलते हैं यहाँ से। अब आगे का सीन भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, सबका अलग अलग हो रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, जो भी रास्ते में डिसाइड होगा वो करेंगे। तो माता रानी का नाम लेके और आगे चलते हैं। चलिए चलिए जी, कहते हैं बरोट वैली को बाय बाय, आई मीन बरोट को, और लेके चलते हैं भाई। दीपक भाई है इस बार के तो ट्रिप के ऑर्गेनाइजर, जहाँ वो लेके जा रहे हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे। बाकी मजा बहुत आ रहा है दोस्तों, इस बार जीप भर के कैंपिंग कर रहे हैं आज। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रास्ता तो ज्यादा दिखाएंगे नहीं, बोर नहीं करेंगे, क्योंकि कल वाला सेम रास्ता है। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो जरूर दिखाएंगे, और सीधे मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आगे का नाइट का प्लान क्या होने वाला है वो भी आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जी जोगिंदर नगर, काफी बड़ी सिटी लग रही है भाई ये मेरे को, और रेड लाइट वगैरह लगा रखी है। तो पिछले 10 मिनट से भाई हम रेड लाइट पे अटके हुए हैं, मतलब एक तरफ का ट्रैफिक छोड़ते करते ऐसा कुछ हिसाब किताब होगा। पिछले 400 मीटर से यार इतने सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं, स्कूल की शायद छुट्टी उट्टी हुई है, इसे अंदाजा लग रहा है कि भाई स्कूल कितनी बड़ी होगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं बीर बिलिंग, मतलब बिलिंग अलग है बीर अलग है, बीर पहुंचने वाले हैं। एशिया की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है भाई, मतलब यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग होती है ना जिस ऊंचाई से, वो एशिया में सेकंड नंबर पर आती है। और दिखाता हूँ मैं आपको सामने भाई, नजारे अलग है, आपको शायद ही दिख रहा होगा ऊपर भाई, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। और आगे मतलब लैंडिंग साइट है अभी तो, और ऊपर की तरफ से कूदते हैं और बहुत हाइट से है। तो भाई मुझे नहीं पता है बीर जगह ही है या कौन सी है, लेकिन भाई घर इतना खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ पे इतने कलरफुल है ना, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल हाउस बन रखे हैं, बहुत खूबसूरत गाँव है, मतलब प्रॉपर जो हिमाचली गाँव होता है ना भाई वो है, बड़ा ही सुंदर है, छोटे छोटे से रोड है, मतलब जैसे पोस्टर्स पे नहीं बताते दोस्तों वैसा गांव दिख रहा है भाई, ये दीपक भाई का गांव है। तो देखिए गाइस यहाँ लैंड होते हैं पैराग्लाइडर्स, कितना बड़ा मैदान है भाई, देखो आप पीछे का नजारा, दीपक भाई बोल रहे हैं ये नजारा लोकल होते हुए उन्होंने पहली बार देखा है नीचे से, मतलब क्या नजारा लग रहा है, कितने सारे अनगिनत पैराशूट आए जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, अल्टीमेट जन्नत में रहते हो भाई तुम तो। तो दोस्तों मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने आपको बोला था एशिया की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है, लेकिन दीपक भाई ने भी बताया वर्ल्ड की है, एशिया की तो नंबर वन है। दोस्तों सच में मेरे माइंड में जो एक पहाड़ी गांव की इमेज रहती है ना, वो यहाँ पर आके क्लियर हुई है भाई, ऐसी इमेज होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह कैंपिंग करने का मौका मिल जाए ना। हालांकि दीपक भाई ने बोला भाई पूरा एरिया कमर्शियल है, उनका खुद का घर का एरिया यही है, देखते हैं बात करने गए वो। तो गाइज यहाँ पर तो हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब रही, हमें कैंपिंग की परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट है ना, चालान हो जाता है भाई यहाँ पर, क्योंकि दीपक भाई लोकल है फिर भी अलाउ नहीं है। तो एक होटल है होम स्टे टाइप है पैराग्लाइडिंग साइट पर ही मेन, वैसे ये प्रॉपर बीर गांव नहीं है, क्योर करके है, क्योर करके गांव है, और बढ़िया माहौल बन रखा है भाई यहाँ पर। तो चिक्की सी क्या बोलते हो, शाम को आए यहाँ पर? आते हैं यहाँ पे, आते हैं आराम। चलो देखते हैं, और इसी लोकेशन पर दीपक भाई हमें रूम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही बोलेंगे अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने रूम लिया नहीं है भाई। तो गाइज अभी हम खड़े हैं क्योर विलेज में, जो कि बीर में आता है, लैंडिंग साइड आपको मैंने दिखा दी है, पीछे की होटल्स वगैरह भाई रूम्स की रेट यहाँ पे काफी हाई है, 2200 से 2500 से कम का रूम नहीं है। दीपक भाई ने बहुत ही बजट में यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रूम करा दिया है, करीब 1000 रुपये के आसपास का, या 800-900 पता नहीं। तो मैं भी सबको ये रिकमेंड करता हूँ भाई, अगर खुद की गाड़ी है ना तो मेन सिटी से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर पहले आप लोगे ना, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन भी मिल जाएगी और बजट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। तो भाई आज की नाइट की कैंपिंग कैंसिल है, और देखते हैं अब तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं दिखाने लायक, फिलहाल तो आपको चाय पिलाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करने वाले हैं आज रात को हम। चाय गरम, चाय कड़क बनाए ना बाजी, बढ़िया एकदम।
दोस्तों ऐसा होता ही है, इतनी देर हम माइंड में लेके चल रहे थे यार ऐसी मतलब साइट पर कैंपिंग लोकेशन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर लेकिन अब रूम ले लिया ना तो पता अब रूम ही रूम दिख रहा है। मतलब एक्चुअल में हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही थी भाई, इतने दिनों से हम रेगुलर कैंपिंग कर रहे हैं, एक बार भी हमने ना बाहर खाया ना कोई होटल लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों के साथ इतनी सर्दी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये देखिए पैराग्लाइडिंग साइट है। अब देखो वह कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है, देखिए नाइट में। दोस्तों यहाँ पर आएंगे, दीपक भाई ने बोला है भाई एक नंबर माहौल होता है, लाइन से 1.5 किलोमीटर का, देखिए कितने सारे कैफेज वगैरह हैं। तो चलिए जी दिखाते हैं आपको गेर की वादिया। वादिया तो क्या मतलब नाइट लाइफ यहाँ की, दीपक भाई ने बोला उनके फ्रेंड का एक ऑफ बीट जगह पर कैफे है। चलिए ऑफ बीट जगह ही हमें पसंद आती है, ऑफ बीट के नाम से हमें क्या है कान खड़े हो जाते हैं दोस्तों। कैसलो यहाँ पर यार रोड बहुत सकड़ी है, गाड़ी लेके निकलना तो सजा के बराबर हो जाता है भाई। ये बीर तो भाई बीर ही है ना जगह ना मेन, बड़ी तगड़ी जगह है भाई, देखो एक से एक कैफे वगैरह यहाँ पर। तो इधर देखो ये शानदार है चिक्की, मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ पर ऑथेंटिक सिड्डू दीपक भाई ट्राई कराने लाए, उन्होंने बोला रेस्टोरेंट में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपके बाहर स्टॉल्स पे आएगा। तो आ गया जी ये सिड्डू, आओ चिक्की जी, चको 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 सिद्धू सिद्धू हो गया भाई। इसकी बीच वाली पार्ट जो है ना उसमें होता है असली माल, कभी लोग पूरा हिला दिया माल होता है, क्यों हिला डाला ना, टूट पड़ो टूट पड़ो टूट पड़ो। इस साल पता चल रहा हम लोगों को कितनी भूख है दोस्तों। तो भाई अभी शिवाय बाबू को उठा के हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और बहुत ही अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत ऑफ बीट जगह है ये देखो। लेकिन दीपक भाई ने बोला है भाई वहां से जो व्यू दिखेगा ना जोरदार दिखेगा। और भाई एक लंबे इंतजार के बाद कम से कम आधा किलोमीटर की हाइकिंग करने के बाद बहुत ही प्यारी एक ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आए, और सच में ऑफ बीट है भाई, हमारे अलावा कोई नहीं मिलने वाला यहाँ पर सच में भाई। पर यहाँ पे सनसेट के टाइम आने का मजा आया दीपक भाई, बहुत ज्यादा अल्टीमेट, सामने जो सनसेट का व्यू दिखेगा ना दोस्तों। मैंने यहाँ से बहुत सारे सनसेट रिकॉर्ड किए। अच्छा तो भाई यहाँ पे अच्छी वाली शांति थी और चिड़ियाघर बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे, आके चाय चू हो रहा है, रौनक लगा दी, ऐसी रौनक इन भैया को नहीं चाहिए ना। ये एक्सपीरियंस भी अलग होता है, देखो कैंपिंग से थोड़ा अलग होता है लेकिन कैंपिंग है भाई, उसका मजा अलग है, ये मजा अलग है। सदियों के इंतजार के बाद हमारा गर्मा गर्म ताजा खाना आ गया है जी, ये है दाल तड़का, और क्या है भाई अपने ऑर्डर क्या कहता मैं तो यही भूल गया, मशरूम, और ये हो गया जी चकाचक मशरूम, और ये हो गया भैया चपाती ला रहे हो, चपाती चपाती। चिक्की जी फटाफट लगा दो भाई, वेट नहीं हो रहा आज तो सच में यार, बहुत टाइम बाद इतनी वेट करना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है खाना टेस्टी होगा दोस्तों, अच्छा लग रहा है, खुशबू तो बढ़िया आ रही है यार, मेरे हाथ ऐसा हो गए बिल्कुल क्या बताऊं आपको, धूप में वो स्टेयरिंग पे ऐसा रहता है ना। अच्छी सब्जी दोस्तों, भले टाइम लगा लेकिन सच में एकदम बंदे ने फ्रेश बना के लाया एकदम। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू।